आप कहोगे गुरु जी क्या पंडाल में बैठने से राम कथा सुनने से क्या भाव से पार हो जाओगे? हाँ हो जाओगे। जैसे ट्रेन में बैठने से मंजिल तक पहुंच जाता है व्यक्ति, वैसे ही कथा रूपी रेलगाड़ी पर जो बैठ जाता है वो राम जी की मंजिल तक पहुंच जाता है। अच्छा महाराज, लेकिन ट्रेन की एक शर्त है, क्या स्टेशन पे जाकर प्लेटफॉर्म पे चढ़ करके तुम्हें बैठना पड़ेगा? वैसे ही राम जी की मंजिल तक पाने के लिए कथा रूपी स्टेशन को पकड़कर महात्मा रूपी संत की बाह की टीटी को टिकट दिखाकर तुमको परमात्मक जाने का रास्ता खोलना पड़ेगा। अच्छा महाराज, आप कहते हो कि कथा रूपी ट्रेन में बैठ जाओ, पहुंच जाओगे मंजिल तक। जैसे मान लो हमारा मन नहीं लगता, हमें राम नहीं काम पुसाता। कई लोगों को काम प्रिय लगता और काम सच में प्रिय लगता, काम है ही इतना खतरनाक। अभी हम लोग तुम लोगों से कह दे रामायण पढ़ो, रामायण रामायण आनंद आएगा, रामायण पढ़ो, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द हो रहा है, और गंदी फिल्म दिखवाओ, पिक्चर दिखाओ, ढिसुम ढिसुम पूरी रात देख लेंगे, उल्लू जैसे जागेंगे, पलक नहीं झपकेगी, बैठे रहेंगे वहीं वहीं, चार पांच लोग बैठे हैं गंदगी कर रहे, तब दुर्गंध भी नहीं लग रही, वहीं बैठे हाँ बगल में बिल्कुल बैठे और लगे ढिसुम ढिसुम देख रहे पिक्चर, ठटरी के भरे हाँ। टीवी पिक्चर देखने में मजा आता है, राम कथा सुनने और पढ़ने में, राम जी के चरित्र को उतारने में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे प्रिय जनों, रामचरित मानस में आप विराजमान हो जाइए, आपका कल्याण होगा। लोग कहते गुरु जी हमारा मन नहीं लगता, तो क्या राम जी कृपा करेंगे? एक बात बताओ, रेलगाड़ी देखी तुमने? रेलगाड़ी किस किसने देखी? ठीक है हाथ नीचे कर लो, देखी तो सबने। छत्तीसगढ़ के लोग बदमाश हैं, हाँ छत्तीसगढ़ के लोग होते ही बड़े खतरनाक, इतने खतरनाक आप पूछो ही मत। छत्तीसगढ़ का तो क्या, अभी हम रायपुर चले आ रहे थे, रस्ते में आ रहे थे, एक आदमी उल्टा लटका था, पेड़े से उल्टा लटका, पैर ऊपर मुड़ नीचे। हमने कहा क्या बात है भैया? बोला तोला गुरु जी का बताऊं? हम कहने नहीं, बताओ बताओ। बोला गुरु जी दरअसल मूड प्रात रहे समय गोली खाए हूं। हम कहा ये सिर दर्द का गोली खाने से उल्टा लटकने से क्या मतलब? बोला गुरु जी कहीं गोली पेट में ना चला जाए। बताइए, हम समझ गए कि हम छत्तीसगढ़ आ गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे गुरुजी अगर कथा में मन ना लगे तो क्या कथा काम करेगी? तो रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में बैठते हो? बैठे हो कभी? हाथ उठाओ, बैठे तो हो गए, बैठिए बैठिए, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हाँ तो रेलगाड़ी में जब बैठते हैं तो रेलगाड़ी में मन नहीं लगता तो क्या रेलगाड़ी नहीं चलती? बोलो, ऐसा तो नहीं है कि रेलगाड़ी का कैप्टन तुम्हारे पास ड्राइवर आता हो कहता हो कि अब जब तुम्हारा मन लगेगा तभी हम चलाएंगे, ऐसा है क्या? वो तो मन लगे ना लगे रेलगाड़ी चलती है। उसी प्रकार मेरे पागलों, कथा में तुम्हारा मन लगे या ना लगे तुम आकर बैठना प्रारंभ कर दो, तुम भी जिस प्रकार रेलगाड़ी मंजिल तक पहुंचाती है वैसे ये कथा की गाड़ी भी तुम्हें परमात्मा के दर तक पहुंचा करके ही मानेगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो राम कथा नौका है।